नमस्कार, खबरों दे बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरणजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 6 सूबों के 116 जिलों लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही गरीब कल्याण रुजगार मुहिम की शुरुआत की। इस मौके बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हाजिर सन। प्रधानमंत्री ने पेंडू इलाकों में कोरोना वायरस को फैलन तो रोकने लिए पंचायतों, सेहत कामों से पिंड वासियों के उपरालों की की प्रशंसा। भारतीय हवाई सेना के मुखी एयर मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि हवाई सेना किसी भी चुनौती का सामना करने तैयार है। केंद्रीय फूड प्रोसैसिंग सनअत मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने एग्रो प्रोसैसिंग कलस्टर्स के बुनियादी ढांचे के विकास की लोड़ पर जोर दिता। भारत चीन सरहद के लद्दाख में हुई हिंसक झड़प दौरान शहीद होए मानसा के पिंड बीरेवाला डोगरा के सिपाही गुरतेज सिंह का उन्होंने जद्दी पिंड अंतिम संस्कार कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, पंजाब के खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, सिविल ते फौजी अधिकारियों वालों श्रद्धा के फुल भेट किए गए। ते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 6 सूबों के 116 जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंस राही रिमोट का बटन दबा के गरीब कल्याण रुजगार मुहिम की शुरुआत की थी। मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इधर छोटा सा काम यहां से कर रहा हूं। इस मौके एक वीडियो फिल्म राही आत्मनिर्भर भारत बनाने लिए किए जा रहे उपरालों बारे जानकारी दी गई। इस मौके 6 सूबों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड ते उड़ीसा के मुख्यमंत्री हाजिर सन। यह मुहिम बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर ब्लाक में पेंदे तेलीहार पिंड तो शुरू की गई। इस मौके प्रधानमंत्री ने खगड़िया जिले के बेलदौर में हाजिर लोगों नाल गलबात की थी। इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ शब्दों में नहीं कही जा सकती। प्रवासी मजदूरों को देखते हुए बहुत कुछ नए कदम उठाना आवश्यक हो गया है। केंद्र यह मुहिम वर्चुअल ढंग नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही की गई। 6 सूबों के 116 जिलों तो आम लोग कॉमन सर्विस सेंटर ते खेती विज्ञान केंद्र राही इस विच शामिल होए। यह मुहिम 125 दिनों तक मिशन मोड तहत चलाई जाएगी। इस तहत 50,000 करोड़ रुपए नाल 25 विकास कार्यों राही घर वापस परते मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा ते पेंडू बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस मौके बोलदिया लॉकडाउन दौरान प्रवासी भारतीयों लिए केंद्र सरकार वालों किए गए उपरालों का विशेष तौर पर जिक्र किया। उन्होंने पेंडू इलाकों में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने लिए पंचायतों, सेहत सहूलतों देने वाले अधिकारियों ते पिंड वासियों वालों किए गए उपरालों की प्रशंसा की। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत आपके गांव के विकास के लिए, आपको रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इस राशि से गांवों में रोजगार के लिए, विकास के कामों के लिए करीब 25 कार्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये 25 काम या एक प्रकार से प्रोजेक्ट 25 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो गांव की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हैं, जो गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं। 116 जिलों के प्रवासी मजदूरों को इस योजना का फायदा पुजन की उम्मीद है। इस मुहिम तहत 12 वक्ो वक्रे मंत्रालयों, पेंडू विकास, पंचायती राज, सड़क आवाजाई, कौमी शाहमार्ग, खनन, पीने वाले पानी, स्वच्छता, वातावरण, रेलवे, पेट्रोलियम, कुदरती गैस, नवी नवियोंयोग ऊर्जा, सरहदी सड़क, दूरसंचार, खेतीबाड़ी, किसान कल्याण शामिल किया गया है। भारतीय हवाई सेना के मुखी एयर मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि हवाई सेना किसी भी चुनौती का सामना करने तैयार बर तैयार है। वह अज हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन कर रहे सन। उन्होंने कहा कि हवाई सेना का मकसद किसी देश को कोई संदेश देना नहीं बल्कि अपनी समर्था दिखाना है। उन्होंने कहा कि भारतीय हवाई सेना भारत चीन सरहद के गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प दौरान शहीद हुए बहादुर फौजियों की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जान देगी। हवाई सेना मुखी ने कहा कि गलवान घाटी दी गतिविधियों मुख रख के सेना की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि इस घटना दौरान भारतीय फौजियों की बहादुरी ने चीनी फौज को दिखा दिता कि वह देश की प्रभुसत्ता लिए हर कुर्बानी दे सकते हैं। In spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved
peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed to respond to any contingency. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पुलिस के डी जी पी दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछला डेढ़ साल आम तौर पर कानून के प्रबंध से विशेष तौर पर अतवाद खिलाफ़ कीतियां कार्रवाइया वाले इलाकों में काफ़ी अमन अमान वाला रहा है। वह कल श्रीनगर में फौज जम्मू कश्मीर पुलिस से केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के सीनियर ऑफिसर वालों की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे सन। उन्होंने कहा कि अतवाद खिलाफ़ सफलतापूर्वक की हरेक कार्रवाई नाल शांति स्थापित हुई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा दस्तियों का मकसद जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करना है तो वह लगातार इसलिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल दौरान फौजी दस्तियां ने 100 अतवादियों मार मुकाया जिन्हों में 50 हिजबुल मुजाहिदीन 20 लश्कर तोयबा 20 जैशे मुहम्मद बाकी अल बदर ते होर अतवादी जथेबंदियों नाल संबंधित सन। विद अस दैट द काइंड ऑफ थैंक्स गिविंग व्हिच केम फ्रॉम द पीपल आई हैव सीन कपल ऑफ वीडियोस कमिंग फ्रॉम द पीपल देमसेल्व्स दैट द पुलिस एंड द फोर्सेस हैव कंडक्टेड दिस ऑपरेशन इन एक्सट्रीमली प्रोफेशनल मैनर वे and even the minutest loss damage to the mosque had been prevented. It goes to the credit of our field commanders and our members of the force working on ground. केंद्रीय फूड प्रोसैसिंग सनत मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कल एग्रो प्रोसैसिंग कलस्टर्स के बुनियादी ढांचे के विकास लिए प्रमोटर्स नाल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में असम आंध्र प्रदेश बिहार गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू ते कश्मीर कर्नाटका केरला मध्य प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब राजस्थान तमिलनाडु उत्तराखंड ते उत्तर प्रदेश विचले 36 प्रोजेक्टों की समीक्षा की गई। इस मीटिंग दौरान प्रमोटर्स ने अपने तजर्बे सांझे किए ते प्रोजेक्टों नूं अमल में लियाउण लई आ रही मुश्किलों बारे जानकारी दी। इस मौके केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि उन्होंने मंत्रालय ने इन प्रोजेक्टों की जांच नवे ढंग तरीके तैयार किए हैं जिस में जानकारी टेक्नोलॉजी के टूल्स की वरतों करके महीने बाद वर्चुअल पड़ताल की जाती है। इस मकसद लिए बनाई टीम वालों वर्चुअल पड़ताल मॉडल की सहायता नाल प्रोजेक्ट विकास की समीक्षा ते मॉनिटरिंग की जाती है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल एक डेढ़ घंटे चले वैबीनार राही देश भर के प्राइवेट मैडिकल डॉक्टरों तो कोविड 19 बारे फीडबैक लई है। इस वैबीनार में चेन्नई नवी दिल्ली मुंबई पटना ते कोटा समेत देश भर के वख वख शहरों तो डॉक्टरों ते माहरां ने कोविड 19 बारे विचार सांझे किए। इस मीटिंग की प्रधानगी करदिया केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोरोना के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़न और इस मौके अपना भरपूर योगदान पाने लई मैडिकल भाईचारे की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सेहत भाईचारे वालों सेहत सहूलतों के बुनियादी ढांचे को बहुत थोड़े समय में कोरोना खिलाफ लड़न लई तैयार किया गया। सेहत सहूलतों के बुनियादी ढांचे की समर्थता ने विश्व भर में भारत का नाम रोशन किया है क्योंकि इस भाईचारे वालों पूरी जिम्मेवारी नाल समाज लई योगदान पाया गया है। इस वैबिनार के संचालक डॉक्टर ए मुरुगंथम ने आरोग्य सेतु ऐप को हरमन प्यारा बनाने की लोड़ पर जोर दिता। भारत में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती में तेज़ वाधा लगातार जारी है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों जारी अंकड़ों मुताबक इस वेले देश में सेहतयाब होने वाले का अंकड़ा 54% तक पुज गया है। अंकड़ों मुताबक देश में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले कुल केसों की गिनती 3,95,048 तक पुज गई है। पिछले 24 घंटे दौरान 14,516 नवे मामले सामने आए हैं। इधर पंजाब में पिछले 24 घंटे दौरान कोविड 19 नाल पीड़ित 10 मरीजों की मौत हुई है। हुण तक 3,832 कुल कोरोना पॉजिटिव मामले हो गए हैं। 2,636 मरीज़ सेहतयाब होकर घर परत चुके हैं। हुण तक सूबे में कोविड 19 के कारण 92 मौत हुई हैं। भारत चीन सरहद ते लद्दाख विच होई हिंसक झड़प विच शहीद होए मानसा दे पिंड बीरेवाला डोगरा दे 3 पंजाब रेजिमेंट विच सिपाही गुरतेज सिंह दा उन्हां दे जद्दी पिंड अंतिम संस्कार कर दिता गया। शहीद गुरतेज सिंह दी मृतक देह नूं अग्नी उसदे दोवां भरावां ने दिखाई। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल पंजाब दे खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल जिला ते पुलिस प्रशासन ते फौजी अधिकारियों वल्लों शहीद नूं श्रद्धा ते फुल भेट कीते गए। पंजाब सरकार ने शहीद गुरतेज सिंह दे परिवार को 50 लाख रुपए एक्स ग्रिश या मुआवजा ते एक वारिस नूं सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। शहीद नूं श्रद्धांजलि भेट करदिया केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पूरा देश इस बहादुर वीर नूं सिर चुका के नमन करता है। उन्होंने कहा कि शहीद जवानों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। आज शहादत दिती है, आज सारा देश देशवासी इस परिवार नूं इस बहादुर वीर नूं जिथे असी सिर चुका के नमन करते हैं। इन्हों की बलिदान में इस शहादत में इस कुरबानी में इस परिवार के कुरबानी में इस नौजवान के कुरबानी में जिस देश के लोगों ने अज साडे देश के यहोजे बहादुरों इस तरह
बेरहमी दे नाल बुरी तरह बिना किसी कारण उन्हां दी हत्या कीती है। अज मैं आही कह सकती हूँ कि इन्हां दी कुर्बानी खाली नहीं जाऊगी। पंजाब सरकार वालों शहीद गुरतेज सिंह नूं शरदा दे फुल भेट करदिआं पंजाब दे खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने चीन सरकार की निंदा करदिआं कहा कि चीनी फौज वालों धोखे नाल भारतीय फौज के 20 जवानों नूं शहीद किया गया। उन्होंने कहा कि भारत एक अमन पसंद देश है ते किसी नाल भी लड़ाई नहीं चाहता। रंजिंदा है कि इंडियन आर्मी दे चाइना ने धोखे नाल साडे 20 जवान शहीद कर दिते। हिंदुस्तान एक अमन पसंद असी मुल्क हैं, असी अपने हमसाया नाल कदे लड़ाई नहीं चाहते। दुख है इस गल का है कि पंजाब रेजिमेंट दे थर्ड पंजाब दे सिपाही गुरतेज सिंह उन्होंने अज शहादत ते मैं पंजाब सरकार वालों ते पंजाब दे लोकां वालों उस बहादुर जवान नूं मैं श्रद्धांजलि भेट करन आया। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। आगे दिओ धन्नवाद।